धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश, सवेर समय सत्संगत दा समा असी प्राप्त कीता है। गुरुद्वारा साहिब जी दे पावन दीवाना विच आसा की वार दा संपूर्ण कीर्तन होया है। अरदास की शमूलियत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरुवाक गुरु हुकम अजे हुणे असी सरवण कर रहे सी। आओ इन्हां पावन बचना दी तकरीर विचार दे नाल जुड़िए। मर्यादित ढंग दे नाल गुरुवाकां दी विचार व्याख्या प्रारंभ करदे हाँ। सब तो पहला दास द्वारा बुलाए गए फतेह प्रवान होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन गुरु हुकम राग बिलावल विचों आ रहा है। इस पावन बचन दे उचारण करता गुरु अर्जन साहब महला पंजवां, उन्हां द्वारा उचरित कीती गई रचना है। शब्द दो बंदा दा है, बहुत लमेरा शब्द नहीं, छोट कारी रचना है। पहला ही बंद रहाओ दा बंद है जिस तो असी विचार प्रारंभ कर रहे हाँ। सब जिक्र करते ने, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। गुरपूरै मेरी राख लई, पूरे गुरु ने मेरी रख लई, मुराद मेरे जीवन दा जो मुख रूप दे च पर्पस सीगा उस सर्व करन दे विच मेरी मदद कीती, ते उदे नाल मेरा धरती ते होना आउना जिउना ए किसे मायने च आ सकिया। ये मायना बनता है राख लई, मेरी रख हो गई, मेरी इज्जत रह गई, मेरी लज रह गई धरती ते जीवन लैण दी, जीवन प्राप्त करन दी। ये दा बचन सिंपल ट्रांसलेशन चाहुंदा, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। ते ए रख क्यों रखी गई, लज क्यों रह गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी सी कि जन्मा जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल मैं नाल लैके आया इस जीवन दे विच, उह मैनूं आ जीवन भी बेकार करन वास्ते प्रेर रही सी। पर समहाओ गुरु ने अमृत नाम हृदय मैं दीनो, मेरे हिरदे दे विच अमृत नाम आत्मक जीवन दी सोझी देण वाली सिख्या जो कि नैक्टर है, जो कि अमृत है, वह दात मैनूं दे दित्ती। उदे सदका ये जीवन मीनिंगफुल हो गया, पुरमानी हो गया। ये सिंपल ट्रांसलेशन बनती है दूसरी सत्र दी। हुण असीं भाव विच जाइए, क्योंकि महाराज ये बचन लिख रहे ने, गुरबाणी वार वार बयान कर रही है कि बंदे जो तू होने आ, मतलब जिस मनुखा रूप दे विच, ये कोई तेरी आखरी मंजिले मकसूद नहीं है, या ये तेरा को पहला पड़ा नहीं गा, बल्कि एक जर्नी है जो इस जीवन बनन तो पहला दी है। तो ये ना भी रहेगा कल नूं कलबूत, जो फिजिकल शेप है तेरे कोल, ये फिर भी अगे चलेगी। इस तरह जानो, जिन्हों सरल कर लिया जाए ते ए जिवें साडा असीं कहिंदे मैं, मैं दा मतलब साडा शरीर है, साडी होंद है, या मैं दा मतलब मेरा माइंड सैट है, इहनूं असीं मैं कह लैंदे आ। ये दोनों ही अक्यूमुलेट होए ने, ये दोनों ही एक्चुअल लैवल ते इवॉल्व होए ने। वो भी समा सीगा जदों एक शरीर 3-4 पाउंड दा सीगा सारा, ईवन होर पिछे चले जाओ तो शरीर जितों बनना शुरू होया
टाइनी स्पैक एक डस्ट बॉल इस तो वध ते कुछ भी नहीं हुंदा जे असी स्पर्म ते एग दी गल करिए दैट इज ओनली दैट टाइनी कदी ते यही सी होंद महाराज कहिंदे मां की रक्त पिता बिंद धारा जिदे तो मूर्त सूरत कीन अपारा जो तो बड़ी अपार मूर्त बड़ी उमदा तस्वीर सुन लगती है कि बन गई है यह है तो बुनियाद ते दी यही है। सो इस रूप में क्या जाए कि कितनी छोटी जी टाइनी स्पैक चीज तो एक होंद बननी पूरे दी पूरी होंद की है ये मिट्टी इवॉल्व हुई सारी जो फूड इनटेक होया जो चीज़ा खादियाँ पीतियाँ गई वो कन्वर्ट होंदिया गई उस जिमें एक स्नोबॉल इफेक्ट होंदा है कहिंदे ने कि एक छोटे जे हिस्से तो स्नो जुड़नी शुरू होंदी है ते वधदी वधदी वड्डे रूप विच बन जाती है। सो इन बिन ये शरीर इस रूप दे विच इवॉल्व होंदा गया फिर वो चार पंज पौंड दे रूप दे विच एक बेबी दे फीटस तो बेबी दी शेप विच आ गया फिर वो बेबी अगे वधना शुरू होया तो वो एक टॉडलर टॉडलर तो एक किड किड तो एक टीन टीन तो एक अडॉलसेंस अडॉलसेंस तो एक फुल फ्लैश ह्यूमन बीइंग और एडल्ट यू कैन सी इस रूप दे विच वो शरीर बन गया सारे दा सारा ते लगा कि हाँ ये हुण मैं हाँ एक्चुअली मैं ते इस सारे विच कुछ भी नहीं है ते सारी मिट्टी ही रूप वटा रही है सारी जिहड़ी असल मैं है ये ते पिछों तुरी आउंदी है ते किते ने अगे जाना है। इन बिन माइंड दा ले लईए माइंड दे विच भी जो साडे सारे दे सारे थॉट्स ने साडी सारे दी सारी इमोशंस ने सब चीज़ां ने इस धरती दा एक्सपीरियंस है साडा जिवें जिवें दे एनवायरमेंट च रहे हैं जिहो जिहियां चीज़ां सानू आले दुआले तो प्रजेंट होंदियां रहियां सी एक्यूमुलेट करी गए उन्हां नू इकट्ठियां करी गए तो इकट्ठियां करदियां करदियां एक थिंकिंग बना ली एक साडी एक आइडियल या एक राह बन गई सारे दी सारी तो उस राय दे मुताबक असीं सोचिया कि ये चीज़ असीं हो गए हाँ। महाराज बयान करदे बंदे तेरी जर्नी बहुत पिछे तो आ रही है तो यह भी सच्चाई है जे जनरेशन्स की बात की जाए तो जीन्स दे विच एक जेनेटिक रूप दे अंदर कुदरत दा हुक्म कम करदा जिहदे अंदर जेनेटिक मेकअप बनता जाता अगे तो अगे अगे तो अगे हुण स्किन कलर आ जे आपां शाह मूल दे लोकां नूं देखदे आ तो पता नहीं किन्नियां हजारां लखां जनरेशन्स तो ब्लैक स्किन कलर आ रहा उही चली जांदा नाल 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 जे वाइट आ तो उन बिन हजारां लखां जनरेशन्स तो उस रूप दे विच वो टाइनी स्पैक नूं भी पता आ कि जो मतलब तुसीं देखो ना इको जगह दे विच इको शेल मतलब अंडर वन रूफ तुसीं दो बच्चों रेज कर रहे हो एक अफ्रीकन मूल तो आ रहा है एक यूरोपियन मूल तो आ रहा है इको जिहा फूड दोनों खाने लिए दई जाओ मतलब जे सपोज करो बंदा यह भी सोचे कि ओके फूड का कलर भी प्रभाव पाता है एक तो वाइट स्टफ खाने लिए दो वाइट आटा वाइट राइस वाइट मिलक उस रूप दे विच तो दा जेनेटिक बैकग्राउंड जिहड़ा है वह शाह मूल तो आ रहा है ब्लैक जिहड़ा है वह जेनेटिक बैकग्राउंड आ ते की समझदे आ वह चिट्टा हो जाएगा नहीं होएगा वो जिन्ना मर्जी तुसीं फूड वाइट लैवल ते उन्हूं दे जाओ पता आ जीन्स नूं किहनूं कन्वर्ट किवें करना है उसनूं उसे काले चमड़े च ही तब्दील करेगा ये भी एक तरह के नाल पिछे संस्कार ही आ रहे हैं सारे दे सारे जीन्स दे विच जिहड़े पए ने इन बिन तुसीं दूसरे पासे डार्क जिहड़ी है ब्लैक चॉकलेट खाण लई देवो डार्क ब्लैक ग्रेन्स खाण लई देवो डार्क ब्लैक सब उस रूप विच भी यही फूड इनटेक करवाउणा है इहनूं
वाइट जेड़ा बैकग्राउंड तो आ रहा है, नहीं होएगा ब्लैक, वाइट ही रहेगा। क्योंकि जो जीन्स नू पता है कि इनू किड़ा रंग देना है, जिवें दा मर्जी फूड दा रंग दे जाओ तुसी, पर जिहड़ी चमड़ी दा रंग है जिहड़ा उह ते उही बनेगा जो जीन्स विचों आ रहा है। सो इह है कि इस रूप दे विच चीज़ां चलदियां ने। अगे फिर इन बिन जिहड़े मन मंडल दे विच विचार ने, रावां ने, नो डाउट असीं आले दुआले तो उस सारे नू ऑब्जर्व करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, पर बेसिक एक राय भी होंदी है। इको सिचुएशन नू दो इंडिविजुअल डिफरेंटली परसीव करते हैं। किसी रूप में भी वेख लो, किसी नू तुसी सिचुएशन दे रहे हो कि बड़ी पॉजिटिव लगती है कि हाँ भाई तेरे वास्ते ना तेनों असी पढ़न का मौका दे रहे हैं, तू पढ़ाई कर ले। तो इस तरीके दे नाल एक इंडिविजुअल कहिंदा दैट्स रियली गुड, इट्स ए मेरे वास्ते बड़ी वधी प्रिविलेज है एंड आई विल अवेल दिस प्रिविलेज। दूसरे नूं तुसी पढ़न वास्ते कहिंदे हो पढ़ाई का मौका, मिलने नूं लगदा इट्स ए पनिशमेंट, आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट इन दैट वे। नो, मेरे वास्ते ते तुसी मैनू जिहड़ा आ मैनू फ्री छड्डो, मैनू मेरे फ्रेंड्स दे विच जिहड़ा जा के पार्टी करन दिओ, इह सब चीज़ां कर लैन दिओ। इह की है मतलब? सिचुएशन तो इक्को जी दित्ती जा रही है, दो इंडिविजुअल थ्रू माइंड उन्हों जिवें परसीव कर रहा है, उहदी इक बेसिक थिंकिंग है, वह तो संस्कार आ रहे हैं पिछों। वह जिहड़े संस्कार आ रहे नूं जन्मां जन्मांतरां दी दुनिया, मतलब सारी किट्ठी कीती गई चीज़ है। तो वह जो टाइनी स्पैक आया सीगा उहदे नाल ही आया सीगा। इस नूं साइंटिफिकली तुसी जिस मर्जी तरीके विच लै आओ, पर तुसी उहनूं समझ के भी मतलब ना तो किसी तरीके दे नाल नूं रद्द कर सकते हो, ना इहनूं किसी तरीके नाल प्रूव कर सकते हो। इत्थे कुदरत दा एक इनविजिबल लॉ काम कर रहा है। स्पिरिचुअल साइड जिहड़ा बंदा उह कहिंदा स्पिरिट आ साडे पिछों तुरी आउंदी है नाल। गुरु महाराज बयान करदे कि जिहड़ी ये जन्मां जन्मांतरां दे साडे नाल साडे ट्रेट्स बज्जे ने, साडे संस्कार बज्जे ने, इन्हां दी काट कल्ली चलाकी ते नहीं कर सकदी, कल्ला इंटलैक्ट ते नहीं कर सकदा। कल्ली तुसी संसार दी थोड़ी बहुती पॉलिश करके, बौद्धिकता दे के, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट बदला के नहीं कर सकते। हालांकि मैं खुद लंबे समय तो काउंसलिंग दी साइड ते काम करदा, साडा वड्डा खेतर एडिक्शन दा आ, तो उहदे विच रीहैबिलिटेशन बहुत वड्डी चीज़ है। बंदे नूं बदलना है, बंदे दा एनवायरमेंट बदल दिओ। तुसी एनवायरमेंट बदलन तो बिना बंदा नहीं बदल सकते। एक बंदा नशे करता है, नशे कित्थे करता है? घर दे विच, फ्रेंड सर्कल दे विच, एक ऐसा एनवायरमेंट है। सवेरे उठता है, दो चार दोस्त एवें दे मिलते, हाँ भाई चल आ जा, पार्टी करते हैं, फलानी चीज़ खाने, फलानी जगह पर जाने, वो लैके तुर जाते। बेचारा नहीं भी चाहता, नहीं नहीं मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरी जॉब खराब हो रही है, मेरी फैमिली लाइक नहीं करती, बट स्टिल ही और शी डजेंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज एनवायरमेंट इज लीडिंग हिम और हर टूवर्ड दीज चॉइसिस। सो वट टू डू? वो कहें लैट्स चेंज हिज और हर एनवायरमेंट। की करोगे? उसनों उस एनवायरमेंट चो कढ के एक रिहैब सेंटर भेज दो, जिथे 24/7 उसने ऐसी जगह पर रहना है जिथे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं, कोई ऐसी किसी रूप दे विच नू कोई मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं मिल रही, कोई उन्हों इस पासे अट्रैक्ट करने वास्ते कोई एफर्ट नहीं पा रहा। सो उत्थे तुसी उन्हों रखो कुछ दिन, तो कुछ दिनों दे तब्दीली हो जाएगी। ओहो जी उत्थे उहदी काउंसलिंग कराओ, ओहो जी उसनों उत्थे मतलब फूड तो लैके तो उन्हों थॉट फीड करन तक सब कुछ नवा कर दिओ। ठीक है जी, हो गया तो बंदा तो बदल जाना चाहिए हैगा भी 21 दिनों के अंदर। तो मनिया गया आ
कि भी 21 दिनों नूं छड्डो, उत्थे लोकी भावें 40 दिन भावें 50 दिन 100 दिन भी रहे, कोई तब्दीली नहीं आई। जे नहीं तब्दील होना उन्हें थे, क्यों? क्योंकि कुछ अंदर डीप लैवल ते चीज़ पई है जिहड़ी इंस्पिरेशन दे रही है, नहीं इधर नहीं जाना दूजे पासे जाना। जिस ढंग दे नाल उत्थे ओह लभ लैंदे अपने मन मर्जी करन दा तरीका, कुछ अपना नशा खाण दा कुछ, उत्थे रिहैब सेंटर वाले भी कई बार हैरान कुन रह जाते भी एवें भी हो सकता है। इहदा कारण की है? क्योंकि जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े संस्कार पए ने उहनूं इह चार दवारी किवें तोड़ देगी? वो एक डिसिप्लिन जिहड़ा एनवायरमेंट तुसीं बिल्ड कर रहे हो किवें तोड़ देगा? इस रूप में बात की गई कि इहनूं तोड़िया किवें जाए। इहदे बाबत मैं पहलां भी बेनती की कि साइंटिफिकली तो बहुत सारिया गल्लां कहियां जा सकदियां ने, प्रोवाइड की जा सकती इनफॉर्मेशन, पर किसी लैवल ते प्रूवन भी नहीं हुंदा कि आखिरकार ये काम करेगा कि नहीं करेगा। पर गुरु महाराज ने जिहड़ी बात की, महाराज कहिंदे कि मेरे गुरु ने मेरी रख लई। रख किवें लई? कि जिहड़े जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार सी जिहड़े टुट नहीं सी रहे, उस साइकल तोड़ दिता। तो ये इहनूं असीं अक्सर बात करदे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ, एक संपूर्ण तब्दीली है। एक ऐसा साइकल तोड़ देना मतलब मन मंडल की दुनिया दे विच्चों वो वलवले खत्म कर देने, जिहड़े वलवले किसी बुरियाई किसी बदी किसी तबाही किसी बर्बादी किसी गैर वाजिब गैर इंसानी गैर असूलन उन्हां रूपां दे विच मैनूं प्रेर रहे सी जाण लई। ते ये लगातार प्रेर दे, बंदा बदी दा करणधार हो जांदा नेकी दी बजाए, बुरियाई नूं चाह लैंदा अच्छियाई दी बजाए, हैवानियत नूं प्रणा जांदा दैविकता दी बजाए। डिवाइन नूं अपील नहीं कर रहा, उहनूं डैवल अपील कर रहा है। उहदे च इह जिहड़ी अलामत आ इहदी काट नहीं लभदी बंदे नूं। बंदा कहिंदा हद हो गई, जिन्नी जिस तरीके दे नाल मैनूं बुरा प्रेर रहा, बुरियाई प्रेर रही है, चंगियाई क्यों नहीं प्रेर पा रही? महाराज बयान करते कि ये साढ़े कंट्रोल तो भी कई बार बाहर होंदी है चीज़, पर हाँ जिथे गुरु वरत जाए आके अमृत नाम हृदय मह दीनो, हृदय मह दीनो, हृदय दे विच, हृदय दे विच, अंतरी भाव दे विच कोई थॉट ही आया अंदरों, उस थॉट ने क्या ना आ रूप जिहड़ा है इस तरीके नाल नहीं करना, नहीं अडॉप्ट करना, नहीं प्राप्त करना। मैनूं याद आ काफ़ी साल पहलां दी गल आ, मैं इत्थे SSTV ते सीगा ते असीं प्रोग्राम कर रहे सीगे नशियां दे बाबत अवेयरनैस दे उत्ते। तो जदों प्रोग्राम कर रहे सीगे तो उहदे विच डाटा बेस इनफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा, जिस बयान किया जाता है कि जिहड़ा एडिक्शन का पाथ है या गेटवे है, वंस वन स्टेप इन दैट एडिक्शन साइड इट्स रियली हार्ड टू बिकम सूबर इन हिज और हर होल लाइफ अगेन, बिकॉज इट विल कम एंड गो, कम एंड गो दैट वे, बिकॉज sometime that person can turn on addiction side, sometime that individual can turn off that addiction side. So in that way that individual has to struggle back and forth. Mostly data shows it happens again and again. There are few stages of that in for that individual who are dealing with addiction. One is they are recovering from addiction. Second is they are in maintenance stage, they are maintaining somehow that super condition, and one day they might go and relapse again. So these are the three actually stages: recovery, maintenance, and then relapse. In that cycle they keep on moving. So it's not easy to stop it once it starts. So that is a very good thing if we actually won't start it.
So have some prevention, have some sort of preventive measures before to start any these type of habits which can lead us toward the addiction, toward any addiction. We're discussing on these topics in a very detailed way. Then people were participating in calls, and we actually done this program on these kind of, you can say, thoughts. After that, one person called me. Jadon main phone program karke hatya, shehar de bade chingere businessman ne, unhone call kiti. Oh, kehnde bhai saab, I can prove you wrong. Achha ji, kivein? Kehne laga ji, I am the example. Main tuhade samne misal haan. ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਵੀ ਜਾਣੀ. ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ. ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਲਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਾਇਆ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ still recall those words as it is, as she said that time. ਇਹਨੇ words ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ. ਉਹ words ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਏ. ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਥਿੰਗ. ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ. ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ. ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ, ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ. ਰੋਈ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ. ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ. ਖੈਰ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਲਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਡਰੰਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼. ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ 3:30 ਔਰ 4 o'clock, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈਟਸ ਗੋ. ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ. ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਮਨ ਕੈਨ ਸਮੈਲ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਥ. ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੌਲ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੰਗਤ ਹੂ ਵਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਬਲੈਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕਿਊ. ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ known to me, and I was known to them, that how, what kind of person I was that time. When they actually letting them
inside that hall, and me and my wife was also there. They can see my situation, and once they see my situation, they told me, "No, what are you doing? It seems you have been actually drunk whole night." He was saying, "No, I drank actually yesterday evening. After that, I took continuously bath, and then I'm coming here. It doesn't matter. We cannot allow you." He said, "I was crying there. I was crying very badly. And I begged them, begged in front of them, 'Okay, please allow me to take Khande Bate Deepa Hall.'" They were saying, "No, we cannot." Khair, long story short, kehnde kafi lamba samay struggle chalti rahi. Us to baad unne kya do palli fir bahar baitho, "Let's have a asi ik salah karde haan." They actually did a meeting. Meeting to baad jehde panjab pyareyan de jathedar si go bahar aaye, kehne gall eh hai ki tenu assi Khande Bate di pahol nahi devange, but haan, we will maybe let you inside. Andar aun devange, tusi ik side te baith ke sari kriya nu witness karoge. Us to baad tenu assi teri wife te utte nu ik chula devange, just is tarike de nal ik chula, and we will give you kakar. Then you have to exercise same rehat for at least one whole year. You have to prove that yes, you are changed, you are a changed person. Once you prove it, then definitely we will do one more Khande Bate Deepa Hall in this Gurdwara, because the whole Panj Pyare Jatha was there. They came all the way from UK to do that activity over there, and they promised me they will come one next year too, just to perform one more time that Khande Bate Deepa Hall activity here. Even though there is no anybody else, even you are just alone to take this Khande Bate Deepa Hall, but we will do that. Is sada tere naal vaada aaya is roop vich baat kiti. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਔਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਵੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਕਕਾਰ ਪਾਏ. ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ. ਆਈ ਵੈਂਟ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਗੈਟ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇਰ. ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ. ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਿਹਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ. ਕਾਲ ਫਾਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋਟ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਥੋਟ ਆਫ ਪਰਸੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਆ. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ,
गुरपुर है मेरी राख लई, अमृत नाम रिदा मैं दीनों, जन्म जन्म की मैल गई, जन्मा जन्मांतरा की मैल, वो कोझापन जिहड़ा सी अंदरों बिल्कुल चाक हो गया, लह गया रहा। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जाप। निवरे दूत दुष्ट बैराई, दुष्ट बैराई, सिक्खी विच साडा कोई वैरी नहीं गा। इस सिक्खी ने बार बार कहा भी सबको मीत हमापन की ना, हम सबना के साजन। वैर विरोध मनुखा नाल एज ए सिख ना किसी नाल है, ना किसी नाल होना चाहिए। मनुख का मनुख नाल की वैर है। एक पिता एक कसके हम बारक, एक असी परिपूर्ण पार ब्रह्म दी औलादा वा सारे। पर साडा फिर वैरी कौन है? वैरी कोई होर नहीं गा, साढ़े अंदर ही साढ़े वैरी बैठे ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा चुगली बखीलगी निंदिया दुआए खिस, ये सारे सारे अंदर बैठे ने। तो ये बैराई जड़े ने ये इतने दुरत ते दुष्ट ने, सानू छड़ के नहीं जाते। तो बंदा जिहड़ी चीज दुरतता नाल भरी होए, दुष्टता दी होए, उन्हूं ते त्याग देना चाहिए। तो इत्थे मुश्किल ये है, असीं उन्हूं त्याग ही नहीं सकते, बल्कि असी उहदी मोह माया च पए हां, असी उस तों सुभाव बना लैने, सुभाव करके उहनूं नाल कैरी करदे हां। इत्थे महाराज ने बयान किया निवरे दूत दुष्ट बैराई, निर्विरती हो गई। भट्टां दा सवैया गुरु नानक साहब की स्तुति दे विच उह बयान करदे, गावों गुण परम गुरु सुख सागर। गुरु नानक सुखां दा सागर है ते परम गुरु है, सुपीरियर मास्टर है मेरे वास्ते। गावों गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे। इस करके परम गुरु है क्योंकि वह दुरत निवारण मेरे अंदरों दुरतां दी निर्वृत्ति करने च मेरी मदद करता है। वह किवें मदद करता है जी? दुरतां दी निर्वृत्ति करने वास्ते दुरत निवारण शब्द सरे, शब्द सरे, शब्द के जरिए, सिक्ख्या के जरिए, क्योंकि मैं सिक्ख्या देता, सिक्ख्यत करता है। यही गुरु की खासियत है कि गुरु सानू सूहज देता, सिक्ख्या देता। तो इसनों हालांकि मैं पहला बात की थी, कुछ चीज़ा नॉन प्रूवन ने, कुछ चीज़ा सिद्ध होकर भी सिद्ध नहीं होंदिया, पर हाँ समाज संसार में अक्सर यहोजी चीज़ा असं वापर दियाँ वेखते हैं चार छपेरे, पर कुछ चीज़ा साइंटिफिकली प्रूवन भी हो जिमें मनिया गया कि बंदे नू विचारक परिपेख दे विच लगातारता दे नाल समझाया जाए, सिखाया जाए, दसिया जाए। कदी एहो जे मूमेंट्स आउंदे ने जीवन दे विच जिहड़ी सिक्ख्या कल तक बेमानी लग रही सी कि इहदे ते कोई असर नहीं करती, इहदे ते कोई कहे दा कोई असर नहीं हैगा, कोई ऐसी मूमेंट आई असर कर गई, उही सिक्ख्या एकदम किते असरदार हो गई, तो मन एकदम उहदे प्रभाव विच आ गया। इसलिए महाराज ने कहा सीगा कि उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां बाणी दा आवरण माहौल बना अपने आले दुआले। हो सकता आ ये सब बोलदियां पढ़दियां सुनदियां किते मन एकदम उहदे नाल अटैच हो जाए तो चीज़ असर कर जाए। यही है दुरत निवारण शब्द सरे, वो शब्द के सदका वह दुरतों तो निर्वृत्ति हो जाए। इतने गुरु अर्जन साहब ने कहा निवरे दूत दुष्ट बैराई, जेडे मेरे वैरी सके वह दुष्ट थे, वो दुरत उन्हों तो निर्वृत्ति हो गई, उन्हों तो मुक्ति हो गई, उन्हों तो मेरी जिंद छुट गई। निवरे दुष्ट दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपया जाप। पर पॉसीबल उदो ही होया जो तो पूरे गुरु के दिते हुए जाप मंत्र नू मैं अलापना सीख लिया, मैं उहदे नाल अपनी सांझ बना ली उस रूप दे विच। कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का वड़ प्रताप। ते फिर ये भी सच है प्रभु मेरे दा एडा वड़ा प्रताप है कि इन्हां दुष्टां दुरतां दी उन्हां सामने पेश भी नहीं जांदी। आप देखोगे धरती दे उत्ते बीमारी ते बीमारी तो बचाण वाली दवाई, इन्हां दोनों दे विच जंग चलदी है। जिवें आपां हुण देखिए COVID-19 एंड वैक्सीन, देयर इज बिग फाइट बिटवीन एक्चुअली इन टू फोर्सेस। वो भी एक तरह के नाल कह लो कि एक वायरल इफेक्ट साढ़े अंदर साड़ी बॉडी जाके पैदा करता है, तो जिद नाल बंदे नूं थोड़ा बहुत बुखार भी चढ़ जाता है। कई बार सेम उस तरह के सिमटम्स भी आते हैं
ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਖਦ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਤਦਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਤਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲਫਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਲਫਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਨੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਡੂ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਕ ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ। ਸੋਥੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬੋਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੱਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਨ, ਬਚ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ, ਐਕਟਿਵ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਿਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮੀ ਅਤੇ ਅਲਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।